सरकार ने फीचर फोन धारकों के लिए शुरू की आरोग्य सेतु IVRS सेवा। फीचर फोन और लैंडलाइन टेलीफोन से भी सेवा का उठाया जा सकेगा लाभ। लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों के लिए हिसार से कटिहार के लिए चलाई गई प्रदेश की पहली विशेष रेल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉलिंग के जरिए लिया सुविधाओं का जायजा। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते प्रदेश सरकार ने दी किसानों को राहत। सरकार ने गेहूं की खरीद का काम किया शुरू। और प्रदेश सरकार ने शराब पर कोविड सेस लगाने को दी मंजूरी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा जारी। नमस्कार, मैं कामिनी मलिक और अब समाचार विस्तार से। एंड्रॉइड फोन के बाद अब फीचर फोन धारकों के लिए भी सरकार आरोग्य सेतु IVRS सेवा की शुरुआत कर रही है। इसके साथ ही अब 1921 टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल देकर भी कोरोना की ट्रैकिंग हो सकेगी। फीचर फोन और लैंडलाइन टेलीफोन से भी सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। आरोग्य सेतु ऐप बनाने वाली टीम ने एक बार फिर दोहराया कि इस ऐप के चलते लोगों के निजी और संवेदनशील जानकारियों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा रहा है। टीम का कहना है कि आरोग्य सेतु ऐप पूरी तरह सुरक्षित है। ट्वीट करके टीम ने यह जानकारी साझा की है कि आरोग्य सेतु ऐप का डेटा और तंत्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों के लिए हिसार रेलवे स्टेशन से बिहार के कटिहार के लिए एक विशेष रेल चलाई गई है, जिसमें करीब 1200 पंजीकृत प्रवासी श्रमिक अपने घर के लिए रवाना हुए हैं। 24 डिब्बों वाली यह ट्रेन हरियाणा से श्रमिकों को लेकर जाने वाली पहली ट्रेन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से वीडियो कॉलिंग के जरिए सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। प्रवासी मजदूरों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार की सहायता से उन्हें वापस घर लौटने का मौका मिल रहा है। इसके लिए वे हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं। इसमें थे और जस्ट लॉकडाउन से पहले यहाँ पे फंस गए थे, केवल उन्हीं मजदूरों के लिए ये व्यवस्था की गई है। और बाकी जो मजदूर यहाँ पे अभी हैं हमारे पास, उनके ये अनुरोध है कि वो सभी ई दिशा पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उसमें अपनी पूरी डिटेल्स वगैरह डालें। और अभी हमारे हिसार में भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज चल पड़ी हैं और आने वाले टाइम में 11 तारीख से और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ चलने लगेंगी। तो सभी मजदूर बंधुओं से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी कि वो यहीं पे रहें, हम उनके लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। ACM से आपका फ़ोन आया था, उसने पूछा था कैसा व्यवस्था हुआ, टिकट में पैसा लगा, खाना का व्यवस्था हुआ कि नहीं हुआ, सारा व्यवस्था आपका सही हुआ कि गलत हुआ। हम जवाब दिए उनको, सही हुआ, टिकट भी फ्री मिल गया और दो टाइम का खाना जो गाड़ी में मिलेगा वो भी बोल दिया स्टाफ ने कि वो भी मिलेगा। और लॉकडाउन करके हम फंस गए और सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाई, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। घर जाने के लिए, बाल बच्चा के साथ रहने के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सरकार ने गेहूं की कटाई के चलते किसानों को राहत दी है। सरकार ने गेहूं की खरीद का काम शुरू कर दिया है। सरकार ने सुचारू प्रणाली द्वारा किसानों का पंजीकरण मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर कराया है। किसानों की फसल खरीद का भुगतान ई खरीद पोर्टल के तहत किया जा रहा है। सरकार ने अभी तक करीब 600 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के खाते में कर दिया है। प्रदेश में 4 एजेंसियां गेहूं खरीद का काम कर रही हैं, जिनमें मुख्यतः हैफेड 45%, फूड सप्लाई 25%, हरियाणा वेयरहाउसिंग 18% व भारतीय खाद्य निगम को 12% खरीद का लक्ष्य दिया गया है। मार्केट बोर्ड की ओर से किसानों को मास्क भी वितरित किए गए। ट्रैक्टर ट्रॉली व अन्य वाहनों को मंडियों के प्रवेश पर सैनिटाइज किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के अनुसार ही किसानों के पास बनाए जा रहे हैं ताकि उनमें उचित फासला रखा जा सके। और 25-25 किसानों को छोटी जगह पे बुलाया जाए ताकि उनके बीच में अपना गैप रह सके, उनके बीच में डिस्टेंस रह सके। तो ये सब तमाम जो कार्रवाई की गई है बहुत शिद्दत के साथ, प्लानिंग के साथ किया गया है। सीजन में गेहूं की खरीद करीब करीब 48 लाख मीट्रिक टन हमने कर ली है और खरीद को शुरू हुए करीब 14 दिन हुए हैं और अभी ये सीज़न चलेगा। और अगर हम सरसों की बात करें तो करीब 5 लाख मीट्रिक टन के आसपास हमने खरीद की है। बारिश ने भी हमारी काफ़ी दिक्कत बढ़ाई है, बड़ी बेस मौसमी बारिश हुई है। मई के महीने तक भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आ रही हैं तो उस कारण से थोड़ा लस्चर लॉस था। हमने उसकी चिट्ठी भी केंद्र सरकार को भेजी और वहाँ से भी टीम आ गई थी और बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है।
और बाकी मेरी अपील तो सिर्फ यही है किसानों से कि अपना सुखाकर अपना गेहूं लाएं, सफाई करके लाएं, और राज्य सरकार आपके साथ है और एक एक दाना खरीदने की जो हमारी जो प्रण है उसको हम पूरा करें। जी सही हो रही है, सरकार टाइम पे से खरीद दी है, सही ऑनलाइन सिस्टम वधिया वा, कोई ओदे चोर नहीं, भी जिमींदार तंग हुंदा, कोई तंगी वाली गल नहीं गी सानू जदों मतलब। कल चंडीगढ़ में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार ने शराब पर कोविड सेस लगाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शराब के ठेके खोलने की अनुमति दे दी गई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस बार आबकारी वर्ष प्रदेश में 6 मई 2020 से 19 मई 2021 तक चलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब के ठेकेदारों को होने वाले नुकसान के आकलन के लिए 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी कैबिनेट को अपनी आकलन रिपोर्ट सौंपेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तौर पर हम चलाने का काम करेंगे, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि किस वेंडर को कितना कितना इफेक्ट होगा और किस किस प्रोपोर्शन के अंदर उसके रेवेन्यू को इफेक्ट आएगा। इसलिए 3 मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई गई है, जो अगर किसी के लॉकडाउन के दौरान फीस के अंदर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कोई वेरिएशन आती है, उसको असेस करने के लिए सिर्फ अगले 2 महीने के लिए मेरी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर की एक कमेटी है, जो उसको हर महीने की 15 तारीख को असेस कर कैबिनेट के आगे असेसमेंट रिपोर्ट देगी कि क्या हमें किसी को रिलैक्सेशन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। जींद जिले में स्वास्थ्य विभाग ने आमजन की सुविधा के मद्देनजर घरों के समीप मोबाइल हेल्थ टीम मुहैया करवाई है, ताकि लोगों की जांच कर उन्हें निशुल्क दवाइयां मुहैया करवाई जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि अस्पतालों में भीड़ इकट्ठा ना हो और लॉकडाउन के कारण लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। नागरिक अस्पताल के डॉक्टर राजवीर बेरवाल ने बताया कि पिछले 15 दिनों से वे और उनकी टीम शहर के विभिन्न कॉलोनियों में जाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी आमजन को विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। स्टाफ नर्स मनीषा बरसाना ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए रोजाना करीब 200 मरीजों की जांच की जाती है। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से आमजन भी खुश दिखाई दिए और स्वास्थ्य विभाग के इस कदम को सराहनीय बताया। स्वास्थ्य विभाग प्रशासन ने लोगों को उनकी घरों के नज़दीक की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, ताकि अस्पताल में भीड़ ना हो और आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। और लगातार हम पिछले 15 दिन से शहर की अलग अलग कॉलोनियों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर बुजुर्ग और महिलाएं मतलब बाहर दवाइयां लेने के लिए आते हैं, और इससे वो काफ़ी प्रसन्न है इस बात से। हम यहाँ पे लगभग 200 के आसपास मरीजों की ओपीडियां देख रहे हैं। खासकर वो पेशेंट आते हैं यहाँ पे जो हॉस्पिटल में ना पहुँच पाने के कारण जिनकी ओपीडी होती है, ओपीडी के ऊपर दवाइयाँ लिखी हुई होती हैं, जैसे शुगर की दवाई है, बीपी की दवाई है, वो दवाइयाँ हम ज़्यादातर यहाँ पे देते हैं। और लगभग 200 के आसपास मरीज हमारे पास डेली आते हैं। देश भर में लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है। नारनौल जिला प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। दुकानों के खुलने से बाजारों में एक बार फिर से रौनक लौटने लगी है। जिला उपायुक्त जगदीश शर्मा ने एक आदेश पारित कर जिले में क्रमानुसार दुकानें खोलने की अनुमति दी है, ताकि बाजार एक साथ ना खुले और भीड़ इकट्ठी ना हो। दुकानदारों ने कहा कि लॉकडाउन के कारण उनकी दुकानें काफी समय से बंद थी, जिसके कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा छूट देने से अब वे दुकानें खोल सकेंगे, जिससे उनकी समस्याएं कुछ हद तक कम हो सकेंगी। दुकानदारों ने छूट देने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। मंगलवार का, बृहस्पतिवार का और शनिवार का जी, ये हमें बहुत खुशी की बात है जी। मोदी जी ने ये जो कदम उठाया है, हमें बहुत खुशी है। हमारा खर्चा पानी बाने लगा है, कस्टमर एक एक करके स्लो स्लो आ रहे हैं जी। ये लॉकडाउन काफ़ी दिनों से बंद था और हम काफ़ी दुखी थे। लॉकडाउन बंद थे जब हमारे घर खर्चा नहीं चल रहा था, मोदी साहब ने खोल के हमें बहुत बड़ा हमने वो उपकार किया। मैं साइकिल रिपेयर का
कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना कामगारों के लिए वरदान साबित हो रही है। कुरुक्षेत्र के गांव हिसरगढ़ के कामगारों ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत उन्हें 309 रुपए प्रतिदिन मजदूरी के रूप में मिल रहे हैं, जिसके लिए वे सरकार के आभारी हैं। जिला परिषद के सीईओ सतबीर कुंडू ने बताया कि इस समय कुरुक्षेत्र के करीब 35 गांव में योजना के तहत काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत जिले में करीब 1800 मजदूर काम कर रहे हैं। 284 रुपए से बढ़ के 309 रुपए तो हमारी मनरेगा की जो है अब इस टाइम वेजेस हो गए हैं, जो सबसे हाईएस्ट जो है पूरे देश में है। और जो एकदम हमें रिस्पांस मिला है, हमने कार्य सुने, आपने अभी देखा भी होगा एक दुदला में जैसे हमने बहुत बड़ी अपग्राउंड जो है उसके कार्य आप अभी देख के आए हो, तो उसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आज भी हमारे ज़िले में जो है 1600-1700 करीब जो है मजदूर आज की डेट में हमारे लगभग 35 के करीब हमारे वर्ष जो है ना इस टाइम इस डिस्ट्रिक्ट में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं और जो और आगे बढ़ेंगे अभी, तो इसमें पूरा ध्यान रखा जा रहा है हमारा जो है ना, ताकि मतलब तो इसमें सरकार जो हमारी हरियाणा सरकार की जो पहल थी इसमें इसमें दो चरणों की बात थी कि भी एक तो इनको रोज़गार मिले, तो उनका लॉकडाउन में जो है काफ़ी जो है ये पोजिशन आ गई थी और तो उसमें और उसके में रिस्पॉन्स भी हमें मिल रहा है। लॉकडाउन की वजह से सभी जो भी गरीब आदमी थे घरों में मजबूर हो रखे थे और वो काम की वजह से परेशान थे। सरकार ने जो नरेगा का काम चलाया है इससे उनको रोज़गार मिला है, घर चलाने का खर्चा मिला है और जो 309 रुपये दिहाड़ी की है उसके लिए हम सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। मैं बेले बैठे थे और जो यो हमारे सरपंच ने सुखवीर सरपंच ने यो जो हमारा काम चलाया है इससे हमें सुविधा मिली है और ये हम अपने गांव में ही काम कर रहे हैं जिससे जल की निकासी हो रही है और इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है। 7 फुट 10 बाय इंच का एक खड्डा है उसके हमें 309 रुपये मिले हैं। देश भर में लॉकडाउन के बाद सोनीपत कुंडली औद्योगिक क्षेत्र के आसपास काफी संख्या में श्रमिक अपने क्वार्टर्स में ही रह रहे हैं। इन सभी को लगातार प्रशासन द्वारा जरूरत के अनुसार भोजन व अन्य जरूरत की सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। उपायुक्त डॉक्टर अंशद सिंह ने बताया कि जिन श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है उनके नाम व मोबाइल नंबर सहित पूरा डेटा प्रशासन के पास रिकॉर्ड के रूप में रखा गया है। उन्होंने बताया कि राशन वितरण के लिए निफ्टम चौक पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सभी श्रमिकों को कूपन उपलब्ध करवाए गए हैं। कानून को पटवारी व अध्यापकों की 4 टीमें बनाकर भोजन वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि सभी श्रमिकों को कच्चा राशन जिसमें आटा दाल चावल हल्दी नमक व अन्य मसाले पैकिंग कर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा कई उद्योगों को शुरू करने की अनुमति दे दी गई है और जल्द ही बाकी उद्योगों को भी चलाने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी ताकि श्रमिकों को रोजगार मिल सके। कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसी के चलते करनाल के एक दंपत्ति हर रोज दर्जनों डिजाइनर मास्क बनाकर शहरवासियों को निशुल्क वितरण कर रहे हैं। करनाल के निजी चिकित्सक करमचंद चड्डा मास्क पहनने वाले लोगों के लिए उनकी ड्यूटी और प्रोफेशन के अनुसार मास्क तैयार करते हैं। वे स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए तिरंगा मास्क तो पुलिस वालों के लिए खाकी कपड़े पर लाल नीली पट्टी वाले मास्क तैयार कर निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। लोगों में इनके मास्क काफी पसंद किए जा रहे हैं। वे अब तक करीब 3000 मास्क बनाकर लोगों में वितरित कर चुके हैं। अपना थोड़ा सा योगदान दे के और इन लोगों को गाइड किया जाए और ये मास्क लगाना शुरू कर दे। फिर हमने घर में यहाँ मास्क बना के जो है ना यहाँ से देना ऊपर से ही देना शुरू कर दिया। हमने नीचे दे देते थे, कितने पीस चाहिए, पाँच चाहिए, पाँच ले जाओ, दस चाहिए तो दस ले जाओ, कोई बात नहीं। सभी ने लगाया, सुकून महसूस हुआ। तो फिर जो है ना फिर देखा तो जो है ना लगाया तो उतार दिया। फिर मन में आइडिया आया क्यों ना इसको एक अच्छी सी डिजाइन करके, ताकि जो है ना लोग ये सोचे कि भाई हाँ अब तो मैंने लगा लेना चाहिए और लगाया अच्छा लगता है। तो फिर मैंने ये तिरंगा लगा के और ये खाकी मास्क लगा के बार बार लगाया तो देखा लोगों ने बहुत सराहना की कि बहुत अच्छा लग रहा है यार ये, तो हमें भी दे दो। तो फिर ये तिरंगा बनाना शुरू कर दिया और इसकी वजह से जो है ना फिर लोगों ने मास्क यहाँ आसपास में सभी ने जो है ना डालना शुरू किया। फिर उसके बाद जो है ना कई प्रशासन अधिकारी को दिखाया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर उनको बना के मैंने। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने फीचर फोन धारकों के लिए शुरू की आरोग्य सेतु IVRS सेवा। फीचर फोन और लैंडलाइन टेलीफोन से भी सेवा का उठाया जा सकेगा लाभ। लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों के लिए हिसार से कटिहार के लिए चलाएगी प्रदेश की पहली विशेष ट्रेन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉलिंग के जरिए लिया सुविधाओं का जायजा।
देशव्यापी लॉकडाउन के चलते प्रदेश सरकार ने दी किसानों को राहत। सरकार ने गेहूं की खरीद का काम किया शुरू। और प्रदेश सरकार ने शराब पर कोविड सेस लगाने को दी मंजूरी। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा जारी। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।